गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, किताब का नाम संसाधन एवं विकास, भूगोल भाग 3 अध्याय 5 उद्योग, भाग 2 मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाबूलाल मीणा। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा कुटीर लघु उद्योग है? ए टोकरी बनाना, बी मिट्टी के बर्तन, से लकड़ी के खिलौने, दे उपयुक्त सभी। बताओ बच्चों, क्या उत्तर आएगा? दे पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर 2, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई? ए 1901 में, बे 1907 में, से 1917 में, दे 1927 में। बताओ बच्चों, क्या उत्तर आएगा? बे पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, ये कॉलम बना है, इसमें नाम लिखे हैं, इनको खाली जगह में भरना है। 1 डैश को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या आएगा बच्चों? अहमदाबाद लिखा हमने। दो, बृहद उद्योगों में पूंजी का डैश अधिक होता है। क्या लिखेंगे बच्चों? निवेश लिखा हमने। तीन, उद्योगों का संबंध डैश गतिविधि से है। क्या आएगा बच्चों? आर्थिक लिखा हमने। चार, अहमदाबाद गुजरात में डैश के
नदी के तट पर स्थित है? क्या आएगा बच्चों? साबरमती। लिखा हमने प्रश्न नंबर 4, सही या गलत बताइए। एक ओसाका भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, बताओ बच्चों सही या गलत? गलत पर निशान लगाया हमने। 2, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है, बताओ बच्चों सही या गलत? सही पर निशान लगाया हमने। 3, लौह इस्पात उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, बताओ बच्चों सही या गलत? गलत पर निशान लगाया हमने। प्रश्न नंबर 5, विश्व के कोई 2 प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। उत्तर, 1, लोहा इस्पात उद्योग, 2, सूती वस्त्र उद्योग, 6, जापान के किस वस्त्र निर्माण केंद्र को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर, जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में स्थापित एकमात्र इस्पात कारखाने का नाम बताइए। उत्तर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जमशेदपुर। समझे बच्चों? इस वीडियो को बार बार देखना, कॉपी में लिखना और याद करना। बाय बच्चों, थैंक यू।